गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल अकेडमी तो आज आपके साथ डिस्कस करूंगी पी वाई दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अपने आप में रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जब आप लोग ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को चाहे वो सिलॉग हो चाहे वो ब्लड रिलेशन हो नंबर सीरीज की बात करें अल्फाबेट सीरीज की बात करें जब आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेती है देन फॉर योर क्लियरिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन इट इज वेरी मच मैंडेटरी कि आप लोग जो पी वाई क्यूज है उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करें रीजन वहीं से हमें हमारे लेवल का पता चलेगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट

ज क्वेश्चन मार्क लेट मी मेक दिस अमेंडमेंट दर इज क्वेश्चन मार्क केयर सो आप लोगों को करना कुछ नहीं है एक आप लोगों को सीरियस गिवन है सीरीज़ uh, में से क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यू आर जस्ट सपोज टू डू दैट यू आर जस्टोज टू फाइंड आउट दैट नंबर तो एक बार मेरे साथ ही वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो so दैट हम लोगों को क्लैरिटी हो एक्जैक्टली exactly काम करना कैसे है अब जैसे मैंने बात की इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे टू थ्री टेन एंड आफ्टर दैट थर्टी नाइन एंड आफ्टर दैट वन सेवेंटी टू बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखो और उसको सॉल्व करने की ट्राई करो कि एक्जैक्टली exactly पैटर्न क्या बन सकता है अब जैसे मैंने टू और थ्री का डिफरेंस देखा तो समझ में आया कि यहाँ पे वन का डिफरेंस है आफ्टर दैट अगर थ्री और टेन की बात करूं तो यहाँ पे सेवन का डिफरेंस है टेन और थर्टी नाइन की बात करूं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस होगा ट्वेंटी नाइन का एंड सो ऑन So, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी है जो आप लोगों को बनानी पड़ेगी आई एम श्योर आप लोगों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो को पॉज करके ये आंसर बना लिया होगा रीजन ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे नंबर सीरीज को लेकर स्पेशली अगर मैं बात करूं वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ तभी अटेम्प्ट कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है रीजन आप लोगों को जो सीरीज दी होगी वहां पे आप लोगों को टाइम पे ही स्ट्राइक करेगी वो चीज कि एग्जैक्टली exactly ये सीरीज थी क्या ये एक नंबर से दूसरे नंबर तक अगर हम लोगों को जाना है वॉट इज अ पॉसिबल वे आउट So, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है तो सॉल्व को किया सो so, टू से थ्री तक जा रहे हैं आफ्टर दैट थ्री से जो टेन का गैप है दैट इज ऑफ नंबर सेवन अब कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी सो so दैट हम लोगों को समझ में आ जाए टिक कर लेंगे जी एक बार यहाँ पे एक नंबर के साथ उस चीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा जो आप लोगों का पहला नंबर है एंड आफ्टर दैट उसी नंबर के साथ जिसके साथ आप लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो उसी का स्क्वायर नंबर लिया जाएगा ये पैटर्न आया कहां से ये बताऊंगी क्योंकि अभी हमारे दिमाग में ये चीज डन हो जाएगी चलिए आफ्टर दैट हम लोगों ने सोचा टू को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ प्लस जीरो का स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर वेरी फर्स्ट नंबर दैट इज टू अब जो भी हमारा रिजल्टेंट आया है दैट मीन अब टू रिजल्टेंट था टू को मैंने मल्टीप्लाई किया वन के साथ आफ्टर दैट उसमें प्लस का किया वन का स्क्वायर तो एक बार चेक करेंगे क्या हमारा स्ट्रेटेजी गलत है क्या हमारा पैटर्न सही बन रहा है बोलोगे मैम बिल्कुल सही क्योंकि टू वन 1 का स्क्वायर वन होगा उसको प्लस करेंगे यू विल गेट रिजल्टेड थ्री आफ्टर दैट थ्री आया तो थ्री को मेरे को मल्टीप्लाई करना है टू के साथ क्योंकि मेरे को टेन नंबर तक जाना था ना थ्री से टेन तक जाने का रास्ता जो हमारे माइंड ने एक रफ माइंड में हमारे माइंड ने बनाया कि थ्री इंटू टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर दैट टू का ही स्क्वायर कर देंगे आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्री टू जो एंड प्लस यहाँ पे फोर हमारा पैटर्न के मुताबिक आएगा टेन आफ्टर दैट 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ क्योंकि यहाँ पे अब 1 2 3 ये तो सीरीज में चल रहा है प्लस आप लोग 3 का ही स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा रीजन क्या था जब हम लोगों ने 10 से 39 तक जाने का रास्ता सोचा तो समझ में आया अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ आफ्टर दैट 30 आ जाएगा प्लस थ्री का ही स्क्वाइन नंबर है ना पीछे तो नाइन के लिए थ्री का स्क्वायर बनाना बहुत स्क्वाजी था बस उस नंबर से ही हमारे माइंड में ये चीज स्ट्राइक कर जाएगी कि क्यों ना हम लोग ऐसा पैटर्न बनाएं अगर थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो बाकी हैं उनको थोड़ा सा एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाएं तो हमारे पास ये स्ट्रेटजी बन जाएगी चेक कर लेंगे टेन इंटू थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर बोलोगे मैम थर्टी नाइन अब थर्टी नाइन को मल्टीप्लाई किया फोर के साथ प्लस +4 द स्क्वायर यू विल गेट अ नंबर 172 जैसा कि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है तो अब करना क्या है वो बहुत इजी था बोलोगे मैम 172 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और प्लस कर लेंगे 5 का स्क्वायर 5 2 10 5 7 35 36 5 6 7 8 860 और प्लस यहां पे 25 टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स uh, 860 सॉरी uh, 885 इज द राइट आंसर टिक कर लेंगे 885 प्लस करके देख लेंगे 885 हमारे पास आ जाएगा सो so क्लियरली जो हमारा 63rd क्वेश्चन है बी पार्ट इज द राइट आंसर फटाफट से मार्क करते रहेंगे क्वेश्चन को एक दो बार आप लोग अगर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे स्ट्रेटजीज वैसे ही आपके बाय डिफॉल्ट माइंड में सेट हो जाएंगी सो so, समझ के चलेंगे ताकि हम लोगों को क्लेरिफिकेशन हो जाए चलिए स्टूडेंट्स चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ Next question says okay. Six boys mxhzp and e are sitting around a circular table facing the center. M sits right next to both X and H, while E sits right next to both P and Z. After that, X is sitting at a position uh, right next to both T and M. Z sits on the seat immediately to that of E. Who sits to the second to the right of T? चलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे ताकि समझ में आए जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे तो स्ट्रेटेजी समझ में आएगी यहाँ पे ये यह जो हमारा क्वेश्चन है दैट बिलोंग्स टू सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट तो यहां पे अरेंजमेंट बनाना वैसे ही बहुत इजी था बनाएंगे स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज कर लेंगे और एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों के साथ एक लिंक भी शेयर किया था और बताया भी था अगर आप लोगों को सिक्स पर्सन की सिटिंग बिठानी है तो उनको बिठाना कैसे है किस ऑर्डर में बिठाना पड़ेगा वन एट टॉप वन एट बॉटम आफ्टर दैट टू एट इधर साइड सो यहां पे हम लोगों को इस तरीके से सिक्स पर्सन की इक्वल डिस्टेंस पे ही उनकी सिटिंग बनानी है आफ्टर दैट डेफिनेटली सर्कल है सो so आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं Six boys हैं and the जो एम है वो बैठा है एक्स और एच के बीच में चलिए आप लोग दोनों ही ऑप्शन ट्राई कर सकते हो क्योंकि एक्स और एच या फिर एच और एक्स एक बार बाय डिफॉल्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं अगर हमारे पास आंसर्स बनाते टाइम किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आएगी देन हम लोग दूसरे पार्ट पार्ट पे भी स्किप कर सकते हैं एंड इफ यू वांट कि आप लोग स्टार्टिंग में उस चीज को स्टार्ट में इंप्लीमेंट करना चाहते हो देन इट्स कम्पलीटली योर विश आप लोग जैसे मर्जी कर सकते हैं दोनों केसेस को पैरल चला के देखें या दोनों केसेस को इंडिविजुअली डिस्कस करके देख लेट इज योर विश सो एम से राइट नेक्स्ट टू बोथ एक्स एंड एच वाइल सेट्स नेक्स्ट E सेट्स uh, e right next to both T and Z. बोलता है कि जो E है वो भी बैठा है T और Z के बीच में तो यहाँ पे positions भी थ्री थी मेरे mind में आया क्यों ना मैं E को यहाँ पे बिठाऊ और यहाँ पे टी और जेड को बिठाऊं लेकिन अभी चेक करेंगे क्योंकि सिक्स के सिक्स परसेंट को हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट बिठा तो दिया लेकिन क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी सेज कि एक्स इज सिंग एटिशन नेक्स्ट टू बोर्ड टी एंड एम जो एक्स है वो टी और एम के बीच में बैठा है बिल्कुल सही है जेड सीट्स ऑन दीट इमीजिएटली टू लेफ्ट ऑफ ई के बिल्कुल लेफ्ट में अब कई बार स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आती है बोलेंगे कि मैम ई e के राइट में है आप लोग ये देखें ई e बाहर की तरफ नहीं देख रहा ई e लुकिंग एट द सेंटर अगर वो सेंटर की तरफ देखेगा नीचे की तरफ देखेगा इधर उसका left और इधर उसका उसका right और होगा, कि ये ये बिल्कुल उसके left में है, है। वाली condition भी हमारी satisfied है। अगर सारी की सारी की जो हमारा assumption था, हमारा एक वर्क था बिकॉज यहाँ पे आप वर्क से ही स्टार्ट कर सकते हो वो बिल्कुल सही था चलेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ सॉरी टू द राइट ऑफ टी टी के सेकंड राइट right में अब टी का देखना पड़ेगा क्योंकि टी का लेफ्ट आएगा इधर टी का राइट right आएगा इधर टी के सेकंड राइट right में एक्स और एम आफ्टर दैट एम इज द राइट आंसर क्योंकि यही वो पर्सन है जो टी के राइट right साइड वो अभी सेकंड राइट में बैठा है सो क्लियरली टिक कर लेंगे एम इज द राइट आंसर डी पार्ट इज द राइट आंसर टिक करते रहेंगे स्टूडेंट्स ये बहुत कई क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के हैं कई थोड़े बहुत मुश्किल भी लगेंगे बट यस मिक्स है तो आप लोगों के क्वेश्चन सम सॉल्व हो जाएंगे चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सिलोगिज्म दैट अज स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन एंड लेट मी करेक्ट द स्टेटमेंट्स ऑल्सो दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर वन आफ्टर दैट दिस इज नंबर टू एंड दिस इज नंबर थ्री एंड यहां से आप लोगों के कंक्लूजन स्टार्ट हो जाएंगे दिस 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 इज 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 एंड चलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे ये जो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट थी वो मैंने कर दी है आप लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहां से स्टार्ट हैं वन टू एंड थ्री एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन भी गिवन है एक दो तीन और चार चार आप लोगों के पास कंक्लूजन हैं चलिए एक बार मेरे साथ ही आंसर को बनाएंगे आई होप अगर आप लोगों ने बना लिया तो सबसे पहले सबसे पहली ही स्टेटमेंट को रीड करेंगे आप लोगों की मर्जी है स्टूडेंट्स चाहे पंजाबी में चाहे इंग्लिश में इन वट एवर लैंग्वेज आर कंफर्टेबल उसी में आप लोग क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं सो क्लियरली सम हैव बेड्स कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को समझने में बहुत दिक्कत आ जाती है कि मैम सम हैव कार्पेटेड बेड्स कई बार इसका लॉजिक नहीं समझ में आता उस केस में अगर आप लोग चाहें तो यहां से पंजाबी वर्जन का सहारा भी ले सकते हैं कि कुछ कारपेट्स हैं, मतलब कार हैं, हैं। यहाँ पे सम है कार्पेट बेड्स मतलब कुछ कार्पेट्स बेड्स हैं अगर सम कार्पेट्स आर बेड्स तो क्या मैं इस चीज को ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ बिल्कुल सम कार्पेट्स आर बेड्स चलिए इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया एंड आफ्टर दैट इन दोनों के बीच में लगाया क्रॉस के कोई भी बेड हो चाहे कोई भी बेड है जैसे ये वाला भी जो बेड है ये चेयर नहीं हो सकता दैट मींस एक बात समझ में आ जाती है कि अगर कोई भी बेड चेयर नहीं है तो ये वाले जो है अब ये वाला पोर्शन देखेंगे जो शेडेड है आप लोग एक बात समझ के चलेंगे ये जितने भी बेड्स हैं जो कि अपने आप में कारपेट्स भी हैं इनको आप चेयर्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते हो रीजन उसने क्लैरिटी के साथ बता दिया कहता कोई भी बेड चेयर नहीं है, तो ये तो भी है, भी है इसके साथ ड्रॉ किया और इसको क्रॉस भी कर दिया ताकि और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए चलिए लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे ऑल कार्पेट्स आर टेबल्स जितने भी कार्पेट्स हैं ऑल आर टेबल्स चलिए बना लेंगे कहता जितने भी कारपेट्स हैं वो सारे के सारे क्या है टेबल्स हैं हम लोगों ने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया चलिए अब हमारी स्टेटमेंट्स के बाद हमारी कटर्न है कंक्लूजन को रीड करने की सो द वेरी फर्स्ट कंक्लूजन से समेर्स आर कार्पेट्स कहता कुछ जो चेयर्स है वो कार्पेट्स ने अब कुछ चेयर्स जो है क्या वो कार्पेट्स हो सकती है चलिए वैसे तो पॉसिबिलिटी है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि नहीं हो सकती लेकिन आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी आप लोग सिर्फ एक बेसिक डायग्राम में चेक करें क्या जो आप लोगों की चेयर्स कारपेट्स हैं उसने क्या बोला कहता कुछ चेयर्स कार्पेट्स हैं कुछ चेयर्स जो हैं वो क्या हैं कार्पेट्स हैं लेकिन इसी में नहीं है क्योंकि इसी में एक सिंगल भी नहीं है तो डेफिनेटली हमारा कंक्लूजन क्या बोलेगा कंक्लूजन बोलेगा कि अगर एक में गलत तो सब में गलत रीजन यहाँ पे तो वो सही नहीं है ना अगर आप लोग इसकी एक या दो डायग्राम और भी बना लें और वहां पे इस चेयर्स वाले पोर्शन को कारपेट के साथ मिक्स भी कर दे तब भी हमें कोई फायदा नहीं होने वाला रीजन आई होप आप लोगों को सिलोगिज्म की जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छे से आती होगी क्योंकि मे और मे नॉट भी वाला केस नहीं होगा दिस इज नॉट अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी यहां पे हम लोगों को श्योटी से बताना है तो यहाँ पे आप लोगों को नो ही इसका आंसर देना पड़ेगा स जो पहले वाला कंक्लूजन है वो मेरा गलत है चलिए आएंगे सेकेंड पे बोलते हैं कि समेबल्स क्या कुछ बेड्स हैं वो टेबल्स हैं बिल्कुल सही है तो यहाँ पे भी है और आप कहीं पे भी बना लो गो तो डेफिनेटली मिक्स करेंगे ही करेंगे आफ्टर दैट देर इज नो चेयर टेबल मतलब कोई भी चेयर टेबल नहीं है वो ये पूछना चाहते हैं क्या कोई भी चेयर टेबल नहीं है अब यहां पर तो ये सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन क्या ये कभी भी मिक्स नहीं हो सकते हैं हम बोलेंगे मैम मिक्स हो सकते हैं रीजन चेयर को सिर्फ आप लोग ये वाले पोर्शन के साथ मिक्स नहीं करोगे लेकिन अगर आप इसको साइड यहां पे ऐसे साइड पे ड्रॉ कर दोगे तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है दैट मींस मेरा जो थर्ड वाला कंक्लूजन है वो क्या है गलत आफ्टर दैट आएंगे लास्ट कंक्लूजन पे देयर इज नो चेयर देयर इज नो चेयर कारपेट मतलब इसका uh, क्या है कोई भी चेयर कारपेट नहीं है कोई भी चेयर कारपेट नहीं है ये तो सही है कुछ कोई भी चेयर जो है कारपेट नहीं है लेकिन यहाँ पे तो सही है लेकिन इसके बाद अगर मैं चेयर को यहां पे मिक्स कर दूं तो क्या वो गलत नहीं हो जाएगा बोलोगे मैम बिल्कुल पॉसिबल है सिर्फ आप लोगों को इस वाले पोर्शन के साथ नहीं मिक्स करना बाकी ये जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया था यहां पे आप लोग मिक्सअप कर सकते हो रीजन वाई जे मेरा ये फोर्थ वाला कंक्लूजन है यह भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा सो so क्लियरली आप लोगों के सामने आंसर है ऑनली कंक्लूजन टू फॉलो कर लेंगे ऑनली टू फॉलो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन चलिए स्टूडेंट्स आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन बॉक्स आर प्लेसड वन अब दर सिक्स बॉक्सेज की सेवन बॉक्सेस की बात कर रहे कहता एक के ऊपर एक बॉक्स रखा है बट नॉट ने इन द सेम ऑर्डर डेफिनेटली सेम ऑर्डर में नहीं होगा बिलो ई ओनली टू बॉक्स आर प्लेस्ड कहता है एक दो तीन चार पांच और छह वो होता है कि बिलो ई ओनली टू बॉक्सिस आर प्लेस्ड अगर ई e के नीचे सिर्फ और सिर्फ दो ही बॉक्सेस है बी इज प्लेस्ड बिट्वीन डी एंड ए जो बी है वो किसके बीच में है डी और ए के बीच में चलिए आफ्टर दैट क्योंकि वहां पे तो दो की जगह थी ना तो दैट इज द रीजन वाई मैंने डी बी ए को ऐसे बनाया ओनली थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई कहता है डी और ई e के बीच में खाली कितने बॉक्सेस हैं तीन बॉक्सेस हैं और यहां पे यह हमारी स्ट्रेटेजी गलत हो जाएगी तो चलिए इसको रीड्रॉ करेंगे रीजन हम लोगों को जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे समझ में आता रहेगा वैसे भी ये सॉरी सेवन बॉक्सेस हैं तो हमारी ये, ये थोड़ी सी गलती भी थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन चलिए सिक्स बोल दिया था मैंने सेवन बॉक्सेस हैं सो so डेफिनेटली जो बिलो ई ओनली टू बॉक्सिस आर प्लेस्ड मतलब बिलो ई e, सिर्फ ई e से नीचे खाली सिर्फ दो ही बक्से है बी इज प्लेसड बिट्वीन डी एंड ए जो बी है वो किसके बीच में है डी और ए के बीच में चलिए मैंने बी डी ए एक बार तो वैसे बना दिया चाहे इसको टॉप से बना लेते चाहे इसको साइड पे बट अभी श्योरिटी नहीं है बी इज प्लेस बिटवीन डी एंड एनली थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई खाली तीन ही बक्से हैं जो डी और ई e के बीच में होंगे दैट मीन्स मेरे को समझ में आया अगर एक दो डी और ई के बीच में ओनली थ्री बॉक्सिस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा कैसे इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे और सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सबसे पहले मैंने बिलो ई ओनली यहाँ पे लिख भी रखा है ई e के हेठा सिर्फ दो बक्से रखे गए हैं मतलब जो ई e है उसके नीचे सिर्फ दो बॉक्सेस हैं आफ्टर दैट बी इज प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ए जो बी है उसको डी और ए के बीच में रखा है डी बी ए भी हो सकता है और ए बी डी भी हो सकता है दोनों स्ट्रेटेजी के साथ सेम ही काम चलेगा ओनली थ्री बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई अब डी और ई e के बीच में तीन ही बॉक्सेज है वन टू थ्री दैट मीन्स डी को मैं यहाँ टॉप पे बिठाऊंगी समझ में आएगा अगर डी टॉप पे है तो यहां पे मैंने बी को प्लेस किया और यहां पे मैंने ए को प्लेस कर दिया आफ्टर दैट एफ इज प्लेस्ड एब सी कहता है जो एफ है वो सी से तो ऊपर है बट बिलो ई ई पर e से नीचे है दैट मीन एफ को मैं यहां पे बनाऊंगी एफ इज प्लेस्ड एब सी एफ इज प्लेस्ड एबव सी बट बिलो ई ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी बी और जी के बीच में एक ही बॉक्स है तो क्लियरली जी हमारे पास यहां पे आ जाएगा एक ही पोजीशन थी और दोनों के बीच में एक ही बॉक्स है सो हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड एब जी जी के ऊपर कितने बॉक्स है वन टू एंड थ्री लिख देंगे जी फोर्थ ऑप्शन थ्री इज द राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है थ्री इज द राइट आंसर जी के ऊपर वन टू थ्री क्योंकि ऊपर बोला ना कि जी के ऊपर कितने बॉक्सेस प्लेस्ड है क्लियरली हमारा राइट right आंसर आ जाएगा थ्री पिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट फड़ से क्वेश्चंस को चलिए आएंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा बेसिकली एक सीरीज को लेके है और सीरीज भी कैसी अल्फाबेट सीरीज की बात कर रहे हैं तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे कुछ नंबर नजर आ रहे हैं आप लोगों को वन थ्री एंड नाइन तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन माइंड में आ जाती है कि थ्री ठीक है जी तो यहां पे पहले इसको का मल्टीपल लिया आफ्टर थ्री three अब नाइन थ्री झा ट्वेंटी सेवन क्लियरली समझ में आते हैं कि मैम फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन की तरफ तो देखने की भी जरूरत नहीं है रीजन वो तो सही हो ही नहीं सकते हैं आफ्टर दैट हमारा जो लॉजिक था उसके ऊपर काम करते हैं पी क्यू आर एस एम एन ओ पी आई जे के एल दैट मीनस बैकवर्ड पीछे से जा रहे हैं अब दो ही तो ऑप्शन थी जिसको मैंने चेक करना था यहाँ पे चेक करेंगे ई एफ जी क्लियरली ये हो सकता है जी एच आई जी एच आई ई एफ जी एच आई तो ये तो आप लोगों का डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है क्योंकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है एस का नंबर है नाइनटीन आर का है एटीन मतलब आपका ये जो सीरीज है वो जो बाद वाला लेटर है वो पहले है और पहले वाला लेटर बाद में है जबकि जी एच आई की अगर बात करें एच का नंबर है एट आई का नंबर है नाइन विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन फुली आप लोगों ने क्लियरली बता देना कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर है क्योंकि वन इंटू थ्री इंटू नाइन इंटू थ्री नाइन आ जाएगा नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कट हुए आफ्टर दैट जो सेकेंड ऑप्शन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है मेरे को चाहिए किस ऑर्डर में डिक्रीजिंग में सो so क्लियरली लिख लेंगे फोर्थ इज द राइट आंसर बनाते रहेंगे स्टूडेंट्स फटाफट फड़ से क्वेश्चन को ताकि लॉजिक आप लोगों को समझ में आ जाए चलिए देयर आर सिक्स फ्रेंड्स जे छह दोस्तों की बात कर रहे हैं

C is taller than Y. जो C है वो Y, Y से बड़ा है क्यों तो ना मैं C और Y को यहाँ पे ड्रॉ कर दू. X is higher than A. X बड़ा तो है A से but lower than Y. बिल्कुल सही है Who is the shortest? Sweetest नहीं Who is the शॉर्टेस्ट uh, स्वीटेस्ट लिख दिया यहाँ पे हु इज द शॉर्टेस्ट तो क्लियरली हमारे पास ए बी बी तो मिसिंग है तो यहां पे डेफिनेटली हमारा बी आएगा सो दैट मीन आर वेरी फर्स्ट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टिक करते रहेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आनी चाहिए एक्जेक्टली exactly क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है और उसका लॉजिक क्या रहेगा चलिए स्टूडेंट्स बना लेंगे जी फटाफट -फड़ से चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चन से अगेन हमारे पास ये जो क्वेश्चन है आ, ये हमारे पास सिलोगिज्म का क्वेश्चन है बताया था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उस पर अच्छे से काम भी करना चाहिए ऑल बेडशीट्स आर कर्टन्स सारी की सारी बेडशीट्स क्या है कर्टन है आफ्टर दैट ऑल आर क्विड्स जितने भी कर्टन्स हैं वो सारे के सारे हैं ऑल क्विड्स आर ब्लैंकेट सारे के सारे क्विल्ड्स क्या है ब्लैंकेट्स हैं स्टूडेंट्स मैंने क्लियरली बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक सुपर ट्रिक आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपनी डिटेल्ड वीडियोस में भी और आप लोगों के पास पी वाई क्यूक टेस्ट हर किसी में शेयर कर चुकी हूँ समझ में आना चाहिए आप लोगों को अगर ऐसी डायग्राम हो तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर का क्या कॉन्सेप्ट था जिन लोगों ने वीडियोस को देख रखा है आई होप दे आर एबल टू अंडरस्टैंड माई सिग्नल सो क्लियरली जो हमारा कंक्लूजन है उसको रीड करेंगे अभी बेसिक जाएंगे ऑल बेडशीट्स आर ब्लैंकेट्स तो एक सेकेंड यहाँ पे मैं एक बार इसको बेडशीट लिख दू ताकि कंफ्यूजन ना हो और ये हमारे ब्लैंकेट्स हैं क्योंकि बी बी है ना तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो बोलता है कि ऑल ब्लैंक ऑल बेडशीट्स आर ब्लैंकेट्स सारी की सारी बेडशीट्स क्या है ब्लैंकेट्स हैं बिल्कुल सही है क्योंकि आप लोग अंदर से बाहर जा रहे हो बेडशीट से ब्लैंकेट की तरफ जाना है ना दैट मीन्स अगर अंदर से बाहर जाओगे तो ऑल और सम दोनों केसेस फॉलो करेंगे पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है सेकेंड सेट्स आर कर्टन्स ऑल ब्लैंकेट्स आर कर्टन्स मतलब आप लोग बाहर से अंदर वाली साइड आ रहे हो बताया था जब बाहर से अंदर आओगे ऑल वाला कोई भी केस फॉलो नहीं करेगा सिर्फ सम वाला करेगा दैट मीन ये सेकंड वाला गलत है ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज कर लेंगे कंक्लूजन ओनली वन सी ऑप्शन ओनली कंक्लूजन वन फॉलो सिर्फ पहला ही कंक्लूजन है जो हमारा सही था तो क्लियरली आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जा सके उतनी अच्छे से प्रैक्टिस करें स्ट्रेटेजीज तभी आपके माइंड में स्टूडेंट्स डेवेलप होंगी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो ऐसा ही नहीं बोला गया है आप लोग नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज सिलोगिज्म जितने अच्छे अच्छे इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करेंगे नंबर टू सिटिंग अरेंजमेंट जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वहां पे जितने आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं क्लियरली जब हम लोग एग्जामिनेशन में बैठेंगे हमारा माइंड बहुत जल्दी उन लॉजिक्स को कैच करने की कोशिश करेगा सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड के ये कितना क्रूशियल है इन चीजों को पढ़ना बहुत मैंडेटरी है सो डेफिनेटली इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम करें सो टिल देन कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करते रहे एंड मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन रिवाइज कॉन्सेप्ट थैंक यू